नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पुनः स्कूल के बच्चों का वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्राफ्टिंग पर आधारित। बच्चों को विद्यालय में जो क्राफ्टिंग का वर्क सिखाया जाता है, कल परसों बच्चों को जो भी क्राफ्टिंग सिखाई गई थी, आज बच्चे उसको बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। कई सारे ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, लगभग 8 से 10 ग्रुप बने हुए हैं। तो सभी ग्रुप के बच्चे, जिनमें 3rd से लेकर 8th तक के बच्चे सम्मिलित हैं, सभी ग्रुप में इस प्रकार से बटे हुए हैं कि हर क्लास के बराबर बच्चे बराबर ग्रुपों में आ सकें। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं ग्रुपों की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार का क्राफ्टिंग का वर्क जो है बच्चे कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको पहले ग्रुप महात्मा बुद्ध ग्रुप से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके जो सदस्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप देख पा रहे हैं सुंदर, तनुजा, पीछे उसके भास्कर, हेम, हिमांशु, चिराग, भावेश, धीरज, लक्षिता और तानिया। अब इनके द्वारा किए गए क्राफ्टिंग वर्क पर आप एक बार नज़र डाल लीजिए। कुछ आप देखें तो थोड़ा पास से अगर आपको दिखाई, ये कुछ फ्लावर टाइप के जो है बना रखे हैं। ये भी आप देखिए, इधर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, बनते बनते किस जैसा भी बनेगा वो आपको सब कुछ दर्शाया जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। आगे चलते हैं मदन मोहन मालवीय ग्रुप की तरफ। तो मदन मोहन मालवीय ग्रुप यहाँ पर कार्यरत है, जिसके सदस्य कुछ इस प्रकार से हैं। इनके लीडर हैं मिस्टर चिराग मिश्रा और अनीता। बाकी ये सब छोटी क्लास के बच्चे भी आपको सब इनके साथ में क्राफ्टिंग करते हुए दिख रहे होंगे। अब नज़र डालते हैं इनके क्राफ्ट वर्क पर। ये कुछ क्राफ्ट आप बना रखा है, थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाइए बेटा इसको। वाओ, कुछ मटका या कलश टाइप का दिख रहा है, बाकी काफ़ी अच्छा बना रखा है। और आगे देखें तो इधर भी कुछ क्राफ्टिंग दिख रही है। अभी ये बच्चे क्राफ्टिंग का कार्य जो है लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हो जाएगा इनका कार्य, वैसे वैसे आपको हम इनके कार्य को उससे रूबरू कराते जाएंगे। चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। तीसरे ग्रुप के रूप में हम आपसे मिलवाने वाले हैं लक्ष्मी बाई ग्रुप को, जिसमें लड़कियों की अधिकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने जो बालिकाएं हैं वो बना रहे हैं। लीडर हैं इसकी प्रियंका, और इधर कुछ छोटी क्लास के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इनके क्राफ्टिंग पर अगर हम देखें तो क्राफ्टिंग उधर से दिखाओ बेटा, आगे से दिखाओ, ये देखिए। क्या सुंदर क्राफ्टिंग इनने बना करके यहाँ पर प्रस्तुत किए। अच्छा, झालर भी लाए इधर क्या। शुभ लाभ। कौन है? दीव। गुड। और इसके साथ साथ आप इनके अन्य क्राफ्टिंग पर भी देखें तो काफ़ी क्राफ्टिंग वर्क अभी तक इनने कर लिया है। लगभग सभी लोग जो हैं अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ स्टिकर टाइप के भी बने हुए हैं और फ्लावर्स भी बने हुए हैं। बाकी ये घर में सजाने का क्राफ्टिंग का जो चीज़ें होती है उनको बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए चलते हैं, मिलाते हैं आपको अगले ग्रुप से। अगले ग्रुप का नाम है तिल्लू रौतेली ग्रुप, जो कि उत्तराखंड की जानी मानी महिला है। और इस ग्रुप में जो इस ग्रुप के लीडर है वो है गुंजन, और गुंजन के साथ साथ इस ग्रुप के अन्य सदस्य कुछ इस प्रकार से हैं। इस ग्रुप की क्राफ्टिंग पर अगर नज़र डालें तो क्राफ्टिंग कुछ इस प्रकार से, वाओ, काफ़ी अच्छा घर में सजावट का कार्य के मतलब का बनाया हुआ है। और इधर देखें तो कुछ ये अन्य प्रकार के भी डिजाइनदार चीज़ें बना रहे हैं अभी। और ये छोटे छोटे बच्चे भी अपने कार्यों पर, ये देखिए, बनाते हुए लगे हुए हैं। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आपको इनसे रूबरू कराते जाएंगे। अभी आपको मिलवाने जा रहे हैं सरोजिनी नायडू ग्रुप से, जिसमें कि लड़कियों की अधिकता है। पहले भी एक ग्रुप बालिकाओं का आया था। तो इनके क्राफ्टिंग वर्क पर अगर नज़र डालें तो काफ़ी कुछ
काट पाट कर रखी है, देखते हैं क्या क्या कर रखा है। अच्छा एक बच्ची यहाँ पर ये बना कर दिखाई हुई है, दिखलाइए तो जरा बेटा। अरे वाह, इसको थोड़ा सा गुड, ये फ्लावर्स और साथ में उसके नीचे कुछ इसको, वाओ काफ़ी अच्छा क्राफ्टिंग वर्क इनने बना करके दिखाया है। साथ में इसी ग्रुप से दूसरे मेंबर भी, आहा क्या बात है, थोड़ा सा उसको ठीक करिए बेटा, वो नीचे को डाउन हो रहा है। हाँ ऐसे करके दिखाइए, सही रूप से दिखाएंगे तो वाह क्या बात है। तो काफ़ी अच्छी क्राफ्टिंग है इस ग्रुप के। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये बनाई गई कुछ, और ये कौन है, ये मीनाक्षी, ये ज्योति, ये सब बना रहे हैं। ये कुछ फ्रेम टाइप का भी बन रहा है, साथ में उधर सिद्धू भी कुछ बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो एक बार पुनः देखें, आइए अब ले चलते हैं आपको रमन ग्रुप की तरफ और इस ग्रुप के सदस्यों पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा एक बार। यह है योगेश, ईश्वर खाती, नेहा, मानसी, और इधर भी आप देख लीजिए, इन सबको आप पहचानते ही हैं, सब लोकल के बच्चे हैं। तो अब इनके क्राफ्टिंग पर नज़र डालते हैं, क्योंकि भाई जो जो आपने बना रखा है उसको खड़े करके दिखा दीजिए, अगर आपका सूख गया हो तो। ये देखिए ये कुछ डिजाइनदार चीज़ें, हाँ थोड़ा सा ऊपर को देखो, उसको सही से करिए ना ऐसे। ये देखिए काफ़ी कुछ अच्छा सजावट, एक नहीं दो दो लाए, दो दो झालर बना रखे हैं, थोड़ा अलग अलग रखिए बेटा, दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, हमें पता नहीं लग पा रहा है, गुड। और ये देखिए इसी ग्रुप के तीसरे सदस्य के द्वारा भी, और उधर सक्षम के हाथ पर कुछ डिजाइनदार चीज़ें दिख रही, मोरपंख टाइप का कुछ बना रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छे। तो अब आपको मिलवाने जा रहे हैं संविधान के निर्माता अंबेडकर ग्रुप से, और इसके सदस्यों में कुछ इस प्रकार काफ़ी छोटे छोटे बच्चे इस ग्रुप में हैं, और अगर बड़े बच्चों की बात करें तो इसमें एक वैष्णवी और एक कनिष्का अक्षिता। ये अब इनके क्राफ्टिंग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखें तो एक काफ़ी अच्छा जो फ्लावर है वो बना के दिया है, इधर आप देखें तो ये काफ़ी सुंदरतापूर्वक डेकोरेट कर रहे हैं। हाँ कार्य में सफाई बहुत अच्छी है, और ये देखिए काफ़ी सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अन्य बच्चे भी इधर देखिए, ये कौन है, हिमांशी लगी हुई है अपने कार्य पर, साथ साथ में इसने भी कुछ लड़ी टाइप की बना रखी है चमकीले, इसको ठीक करो बेटा, उल्टा हो रखा है। हाँ ये देखिए आप, ये पता नहीं किसी पर चिपकाने के लिए लगाने के लिए बना रखा है, अभी लगाया नहीं है, जैसे जैसे हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी ये कार्य पर लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं कुछ मोर पंख टाइप के भी बना रखे हैं चिपकाने के लिए। तो चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, अगला ग्रुप जो कि है शिवाजी ग्रुप, और उस ग्रुप के सदस्य कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इन ग्रुपों में सम्मिलित हैं, ये लगे हुए हैं अपने क्राफ्टिंग पर। अगर इनके क्राफ्टिंग की जो डिजाइन है या फिर इनका क्राफ्टिंग वर्क को देखें तो सबसे पहले ये दिखा रहे हैं, वाव आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर टाइप का इनने बना रखा है, जो भी इसको कहे नाम हम भी नहीं जानते हैं, भली भांति यही बताएंगे जब ये पूरा अभी पूरा हुआ नहीं है, इनका कहना है कि अभी भी ये पूरा हुआ नहीं है। इस प्रकार से दिखला दीजिए, हाँ ये अभी भी ये पूरा हुआ नहीं है, तो जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको पुनः दिखलाएंगे, काफ़ी सुंदर। ये देखिए ललित, मिस्टर ललित ने बना रखा है उधर घर में टाँकने के लिए झालर, और काफ़ी अच्छा बना रखा है, गुड। और बाकी ये देखिए मिस्टर गौरव भी लगे हुए हैं, सभी बच्चे अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं, जो कि किसी न किसी रूप से कार्यों को अंजाम दे रहे हैं या कार्यों में मदद कर रहे हैं। ये देखिए सब कुछ सभी बच्चे लगे हुए हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा एक टेडी टाइप का इनने बना रखा है। तो दोस्तों बनने के बाद जो इनकी क्राफ्टिंग थी महात्मा बुद्ध की कुछ इस प्रकार से है, जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर क्राफ्टिंग इनने कर रखी है, अगर पास से दिखाएं तो काफ़ी बेहतरीन, बहुत अच्छे क्राफ्टिंग का नमूना इनने पेश किया है।
और अभी आप लोगों को इनकी शक्ल भी दिखाएंगे। वाह, ये देखिए इस ग्रुप के द्वारा ये बनाया गया है और ये इनकी क्राफ्टिंग है। ये है सरोजनी नायडू ग्रुप के द्वारा बनाया गया हुआ क्राफ्टिंग वर्क। अब आप इनकी क्राफ्टिंग पर ज़रा नज़र डालें, कितनी सुंदर और कितनी प्यारी प्यारी क्राफ्टिंग। कॉर्नर से आप अगर आपको दिखाते हुए ले चले तो ये देखिए इनके विशेष नमूने आपको अन्य वीडियोज़ में भी देखने को मिलते रहेंगे। वाओ, गुड वाइब्स का यहाँ पे एक नोट्स बना हुआ है, काफ़ी सुंदर आकर्षक। ये देखिए क्या खूबसूरती के साथ इन्होंने क्राफ्टिंग का कार्य किया है, तो अप्रिशिएट कीजिए इन बच्चों को। ये देखिए तो जो सजावट का कार्यक्रम जो इन्होंने इतना अच्छा क्राफ्टिंग का वर्क किया है इनके लिए, ये जिन बच्चों ने किया है वो ये ग्रुप के सदस्य आपको देख रहे हैं। और साथ में ये देखिए, तो ये है सरोजनी नायडू ग्रुप के सदस्य जिनकी क्राफ्टिंग का नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत है। काफ़ी सुंदर क्राफ्टिंग इनके द्वारा बनाई गई है। चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। यह है रमन ग्रुप के द्वारा बनाई गई क्राफ्टिंग, और अब इनके क्राफ्टिंग पर अगर नज़र डालें तो सबसे पहले इस तरफ से देखें, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन। घर में जब इनको दीवारों पर लगाएंगे तो दीवारें काफ़ी अच्छी दिखाई प्रतीत होंगी, दीवारों का जो लुक है ना वो एनहेंस हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सुंदर दिखने लग जाएगा। इस ग्रुप के सदस्यों को अगर देखें तो ये बिल्कुल आप अच्छे से पहचानते हैं सभी बच्चों को। तो आइए चलते हैं अब अगले ग्रुप की तरफ। लक्ष्मी बाई ग्रुप के द्वारा बनाया गया जो क्राफ्टिंग वर्क है उसको अगर आप देखें तो ये देखिए, एक कॉर्नर से मैं आपको दिखाते हुए ले चलूँ, काफ़ी अच्छी क्राफ्टिंग का जो है मुजाहिरा पेश किया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया बढ़िया क्राफ्टिंग। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके द्वारा ये बनाया गया है, आप अगर देखें अभी आपको इन बच्चों को, इनमें बड़े कहने पे एक प्रियंका है, बाकी ये सब देखिए आप कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक क्राफ्टिंग का वर्क किए। देखिए इनको देख करके आपको लगेगा कि हाँ क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाले बच्चे हैं सब। तो काफ़ी सुंदर क्राफ्टिंग इनके द्वारा बनाई गई है, ये देखिए। अब चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, और अगला ग्रुप पहुंचता है तिल्लू रौतेली ग्रुप, और जिनके द्वारा बनाई गई क्राफ्टिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी। इन बच्चों की क्राफ्टिंग पर अगर नज़र डालें तो देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर क्राफ्टिंग इनने बना रखी है। जब इन क्राफ्टों को आप दीवारों पर लगवाएंगे या दीवार पर लगाएंगे तो दीवारें काफ़ी सुंदर प्रतीत होंगी। दीवारों पर लगते ही दीवारों की शोभा जो है वो एकदम दोगुनी हो जाएगी। ये देखिए इस ग्रुप के सदस्यों को आप, ये गुंजन, संजय, बाकी ये छोटे छोटे बच्चे, ग्रुप के बाकी सदस्य सब छोटे हैं, एक एक दो दो सदस्य सब में बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों के द्वारा बनाई गई क्राफ्टिंग है, काफ़ी प्रशंसनीय है। अब आप देख पाएंगे मदन मोहन मालवीय ग्रुप के द्वारा बनाई गई क्राफ्टिंग। तो सबसे पहले तो ये देखिए बड़ा सुंदर सा वेलकम का बोर्ड इन्हें बना रखा है, थोड़ा सा अगर इसको तिरछा करके दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अब आप देखें तो देखिए कितना अच्छा वेलकम का बोर्ड बना रखा है, साथ में एक कलश बना रखा है इनने। आजकल कलश नवरात्रि चल रही है तो कलश भी इनने बनाया हुआ है, और क्राफ्टिंग का तो जवाब नहीं, काफ़ी सुंदर। ये देखिए ये कंटेनर टाइप का कुछ बना रखा है, ये एक्चुअली में हमें भी समझ नहीं आया ये है क्या करके, ये अनीता हमें एक्सप्लेन करेंगी कि अनीता ये क्या है, ये क्या है। अच्छा ये है कैंडल सेवर, इसके अंदर आप जब कैंडल जलाएंगे तो ये काफ़ी कलरफुल प्रतीत होगा, उस समय इसकी जो जगमगाहट होगी वो काफ़ी देखने लायक होगी। तो आइए चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अब आपको ले चलते हैं अंबेडकर ग्रुप की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंबेडकर ग्रुप ने अपना जो लोगो बोर्ड है वो काफ़ी सुंदर डेकोरेट किया है, और इसके साथ साथ अगर इनके क्राफ्टिंग पर अगर नज़र डालें तो क्राफ्टिंग देखिए भर भर के क्राफ्टिंग कर रखी है, इतने क्राफ्ट वर्क बना रखे हैं कि
काफ़ी जगमगाते हुए, लड़ियाँ अलग, और ये देखिए काफ़ी सुंदर, ये एक लैंप का, मेरे ख्याल से ये लैंप का वो भी बना रखा है नमूना, जो कि घरों में लटकाया जा सकता है दीवार पर। जब इनको लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगेंगी दीवारें। इस ग्रुप के सदस्यों को अगर आप देखें तो ये देखिए, और इस तरफ देखिए, तो ये इस ग्रुप के सभी सदस्य हैं। तो आइए चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। तो अब आपको लिए चलते हैं शिवाजी ग्रुप की तरफ, और शिवाजी ग्रुप के द्वारा जो क्राफ्टिंग वर्क किया गया है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, वाओ कितना सुंदर सा एक गुलदस्ता बना रखा है, और जो देखने में काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ यूनिक टाइप का डिज़ाइन बना रखा है जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो और आगे की क्राफ्टिंग की अगर बात करें तो ये देखिए, थोड़ा सा वन लुक में आपको दिखाए हैं, वन शॉट में, तो इस प्रकार से कुछ इन्होंने ये बना रखा है, तो जिसमें कई प्रकार के जो है क्राफ्ट का समावेश है। एक बार इस ग्रुप के सदस्यों को अगर देखें तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे जिनके द्वारा ये बनाई गई है। एक बार पुनः उसको देखते चले, और यह है शिवाजी ग्रुप। तो धन्यवाद वीडियो तक पहुंचने के लिए और वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए। आगे कई अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत थैंक्स।